हेलो, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें के बारे में, आदतों के बारे में आपको बताऊंगी मैं। सो डियर स्टूडेंट, ओपन योर रिवियस बुक माय ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, मूव टू चैप्टर नंबर 13 on page number 41. Page number is 41. Chapter name is good habit, good manners and habits. So let's start. We learn good manners and habits from our parents at home and from teachers in school. गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स, अच्छा व्यवहार दूसरों के प्रति और अच्छे आते हैं, हम कहाँ से सीखते हैं? घर में अपने माता पिता से और स्कूल में अपने टीचर्स से। गुड मैनर्स एंड हैबिट मेक आवर लाइफ हैप्पी, अच्छा व्यवहार और अच्छी आदतें हमारी जो ज़िंदगी है उसको अच्छा बना देती हैं, खुशहाल बना देती हैं। All of us should learn good habits and manners to become good children. हम सभी को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार सीखना चाहिए अच्छे बच्चे बनने के लिए। Everybody loves good children, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको सभी बहुत प्यार करते हैं। जिनके जो अच्छा व्यवहार करते हैं या जिनमें अच्छी हैबिट्स होती हैं उन सभी को बहुत प्यार करते हैं सभी। So let's start some good मैनर्स एंड हैबिट्स। अब मैं आपको कुछ अच्छी आदतें बताऊंगी, अच्छी हैबिट्स बताऊंगी। सो फर्स्ट वन इज वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठेंगे तो जो हमारा सारा काम है वो टाइम पे फिनिश हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज वी मस्ट ब्रश अवर टीथ डेली, हमें क्या जब भी हमने खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, डिनर करना है उसके बाद हमने क्या करना है? ब्रश करना है, अपने दांत साफ करने हैं। थर्ड वन इज वी मस्ट टेक बाथ डेली, अगर हम डेली बाथ लेते हैं, डेली नहाते हैं तो हमें क्या है, बीमारियाँ हमारे पास नहीं आती, डिसीजेस हमारे पास नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए? डेली नहाना चाहिए। सो मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हैबिट इज वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। सो वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम एंड कीप द स्कूल एंड हाउस क्लीन, हमें क्या करना चाहिए? स्कूल में टाइम पर पहुँचना चाहिए ताकि जो हमारी स्टडी है वो टाइम पर होती रहे, हम कुछ मिस ना कर पाएँ। हमें अपना घर और जो स्कूल है वो बिल्कुल साफ रखना चाहिए, जो भी कचरा है वो डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। We must respect our elders and teachers and always wish them in the morning and whenever they meet us. हमें क्या करना चाहिए? अपने टीचर्स की और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए, चाहे वो हमें मॉर्निंग में मिले या किसी भी टाइम। अगर वो हमें मॉर्निंग में मिलती हैं तो से गुड मॉर्निंग टू देम, आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून, अगर नाइट में तो गुड इवनिंग, शाम को गुड इवनिंग, सोते समय गुड नाइट। आपने इनको हर टाइम पे इनको विश करना है, इससे क्या क्या होता है, आपका जो अच्छा व्यवहार है, आपकी अच्छी हैबिट्स हैं उसके आप उनको इम्प्रेस कर पाते हो। वी शुड से प्लीज़, प्लीज़ कब बोलना है? जब हमें कोई, हमने इफ यू वॉन्ट समथिंग, अगर हमें कुछ चाहिए, दोनों हैंड ज्वाइन करके बोलो प्लीज़ एंड थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमने दोनों हैंड ज्वाइन करके उनको थैंक यू बोलना है, ये भी अच्छी हैबिट्स हैं। वी शुड से सॉरी, अगर हमसे कुछ गलती होती है, कुछ टूट जाता है, हम किसी को हर्ट करते हैं तो पोलाइटली हैंड ज्वाइन करके उनको सॉरी बोलो, वो अब सब कुछ भूल जाके आपको माफ़ कर देता है। सो से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी आप गलत करते हो तो आप सॉरी बोलोगे। वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी पीपल, ओल्ड मीन्स बुजुर्ग लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, और जो नीडी पीपल है ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनको हमें हमेशा हमारे आप उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यस हमको हमेशा आपको स्कूल में सभी स्टार्टिंग में ये सिखाया जाता है सच बोलना है, अगर आप सच बोलोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, सभी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप झूठ कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ से बचने के लिए, सो नेवर लाइ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए।
वी शुड थ्रो द वेस्ट मटीरियल इन द डस्टबिन. जो भी कचरा है डस्टबिन में फेंकना चाहिए. कुछ भी आपको मिलता है इधर उधर थ्रो नहीं करना, इसलिए गंदगी फैलती है, उनके ऊपर मक्खी मच्छर बैठते हैं जिनसे डिजीज होते हैं. सो जो भी कचरा है, कूड़ा करकट है, वो आपको कहाँ पर फेंकना चाहिए? डस्टबिन में. नेक्स्ट, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स. शेयरिंग की हैबिट जो होती है बहुत अच्छी हैबिट होती है. हमें जो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, इनसे क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है एक दूसरे में. चिल्ड्रंस में जो अच्छी जी हैबिट होनी चाहिए, बच्चों में ये हैबिट बहुत अच्छी होती है. सो वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर. हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों से शेयर करनी चाहिए. वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम. जैसे छुट्टी वाले दिन आपको अपने मम्मी पापा के साथ घर पे काम में हेल्प करनी चाहिए, तो आपके मम्मी पापा भी आपसे खुश हो जाते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. जैसे एनिमल्स को कुछ लोग होते हैं गली में, जैसे डॉग्स घूमते हैं उनको मारने लगते हैं, दिस इज अ बैड मैनर. तो आपने क्या कर, एनिमल्स को हमेशा प्यार से ट्रीट करना चाहिए. अगर आप एनिमल को प्यार करते हो ना, तो वो आपसे डबल दुगना प्यार करते हैं. कभी भी आप ट्राई करके देखना. सो वी शुड बी काइंड, उनके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए, मतलब दयालुता दया दिखानी चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. हमें हमेशा ही लाइन में, जैसे स्कूल में भी आप जाते हो वाटर ड्रिंक करने जाते हो, तो वी शुड ऑलवेज मूव इन क्यू. हम बोलते हैं ना मूव इन अ क्यू, मूव इन अ लाइन. सो हमें जो भी काम करने जाना है हमेशा लाइन में जाना है. अगर कहाँ वहाँ पर बहुत रश है तो आपने अपनी जो टर्न है उसकी वेट करनी है, तो ऑलवेज स्टैंड इन क्यू, क्यू में ही खड़ना चाहिए, लाइन में ही स्टैंड होना चाहिए. गुड मैनर्स एंड हैबिट्स मेक अस गुड चिल्ड्रन. जो अच्छी आदतें हैं, अच्छा व्यवहार है हमारा दूसरों के प्रति, वो हमें क्या बनाता है? अच्छे बच्चे बना देता है. वी मस्ट फॉलो देम एवरीवेयर. हमें उनको हर जगह पर फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक द फॉलोइंग एज राइट एज रॉन्ग. अगर कुछ गलत है तो उसको क्रॉस करना है, अगर सही है उसको टिक करना है. वी शुड नॉट विश आवर पेरेंट्स. हमें अपने पेरेंट्स को विश नहीं करना चाहिए. नो, इट्स अ रॉन्ग. सो वी राइट फॉल्स हियर, बिकॉज हमें जब भी हमें पेरेंट्स से मॉर्निंग में उठते हैं तो से गुड मॉर्निंग टू देम, रात में सोने से हमें गुड नाइट उनको बोलना है. वी शुड गो टू स्कूल इन टाइम. हमें स्कूल टाइम पर जाना चाहिए, करेक्ट. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. हमें डेली बाथ नहाना चाहिए. वी शुड नॉट शेयर आवर थिंग्स विद अदर. हमें कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, इट्स अ फॉल्स. वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल. हमें उनकी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, इट्स अ ट्रू. नेक्स्ट, फिलिंग दी ब्लैंक्स. वी मस्ट डैश आवर टीथ डेली. टीथ को क्या करना चाहिए? ब्रश. वी लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स एट होम. क्या सीखते हैं घर पर? गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. वी शुड डैश आवर एल्डर्स. हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की रिस्पेक्ट. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ. अच्छे कपड़े और सुंदर कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग. अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको थैंक्स बोलना चाहिए. नाउ एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने कोई भी अपनी तीन हैबिट्स हैं यहाँ पे लिखनी है. नाउ रीड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर नोटबुक. फर्स्ट वन इज, फ्रॉम वेयर वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स. कहाँ से सीखते हैं? वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम होम एंड स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट शुड वी से वैन वी डू समथिंग रॉन्ग. कुछ गलत करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? वी शुड से सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट मटीरियल. वेस्ट मटीरियल कहाँ पर आप हमको डालना चाहिए? जो कचरा होता है, इन डस्टबिन. वी शुड थ्रो द वेस्ट मटीरियल इन डस्टबिन. माई डियर स्टूडेंट, आई होप यू लर्न दिस चैप्टर, यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. डू दिस वर्क ऑन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.